इंग्लिश में इन्हें कैसे कहें, जैसे उसने भी तो मना किया था, उसने भी तो पूछा था, मैंने भी तो बोला था, हमने भी तो देखा था, एंड मोर। गाइस, इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे फ्रेम करते हैं आज के इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो लास्ट तक देखिएगा, आप कुछ ना कुछ जरूर नया सीखेंगे। चलिए गाइस, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। रूल, सबसे पहले हम लिखेंगे इवन प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस अदर। क्या लिखेंगे? इवन प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस अदर। तुमने भी तो ऐसा ही किया था। इवन यू डिड सच वर्क, इवन यू डिड सच वर्क। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं और उनके थ्रू इसे और अच्छे से समझते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उसने भी तो तुम्हें देखा था। इवन ही सा यू, इवन ही सा यू। नेक्स्ट है, उसने भी तो मना किया था। इवन ही रिफ्यूज्ड, इवन ही रिफ्यूज्ड। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं किया गया है, सीधे वर्ब का यूज़ किया गया है, क्योंकि पास्ट टेंस में यानी पास्ट सिंपल में वी टू आती है, हेल्पिंग वर्ब नहीं। तुमने भी तो पूछा था, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे इवन यू आस्क्ड, इवन यू आस्क्ड। नेक्स्ट है, मैंने भी तो बोला था। इवन आई स्पोक, इवन आई स्पोक। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैंने भी तो सोचा था, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे इवन आई थॉट, इवन आई थॉट। मैंने भी तो दिया था। इसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है। गाइस, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग। थैंक्स अगेन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।